आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज, देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। और प्रोग्राम आज के अब तक में हम मुल्क की बात करेंगे। दिल्ली में आज हम बात करेंगे भारत रत्न की, आज बात करेंगे हम पाकिस्तान की, जहां जमीन बराबर गिरता ही जा रहा है। और उसके साथ साथ हादसों की खबर करेंगे। किश्तवाड़ से हादसा आया हुआ है और इस हादसे के पस मंज़र में क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं उस पर हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत रत्न की, और इस साल जिन 5 शख्सियात को भारत रत्न के लिए नामजद किया गया है, उस हवाले से मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। और वज़ीर आज़म ने आज ट्वीट करते हुए लिखा कि चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर MS सोमनाथ को ज़िरात को फ़रोग देने और नरसिम्हा राव को उनकी बेहतर इंतजामी और इकदाम उठाने के सिलसिले में भारत रत्न अवार्ड के लिए एजाज़ के लिए चुना गया है, और मुल्क को ऐसी शख्सियात पर फख्र होना चाहिए। बताते चलें कि इससे पहले भाजपा के सीनियर लीडर साहब का नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरिया ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड के एजाज़ के लिए नामजद किया गया था। और PV नरसिम्हा राव मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, कांग्रेस के वो सीनियर लीडर में शुमार होते हैं। और चौधरी चरण सिंह भी बतौर वज़ीर आज़म अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। चौधरी चरण सिंह, ताल्लुक उनका उत्तर प्रदेश से, और लोक दल के वो सरबराह भी रह चुके हैं, और अब उन्हें भी भारत रत्न के अवार्ड से नवाजा गया है। और भारत रत्न के साथ साथ आपको आप बताते चले कि राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर से मुतालिक 3 बिलों पर गौर करने के बाद मंजूरी दी गई, जो मुकामी इदारों और दूसरे पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन फराहम करने और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में दर्जा फरिस्त जातों और दर्जा फरिस्त कबाइल की फरिस्तों में तरमीम पर मुश्तमिल थे। जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज तरमीमी बिल 2024, जम्मू कश्मीर शेड्यूल कॉस्ट ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल 2024 और शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर बिल 2024 को इस हफ्ते के शुरू में ही लोकसभा ने मंजूर किया था। और फिलहाल जम्मू कश्मीर में पंचायतों और म्यूनसिपलिटियों में OBC के लिए सीटों के रिजर्वेशन का इंतजाम नहीं था। कबायली अमूर और ज़रात और किसानों के बहबूद के लिए मरकजी वजीर ने आज आइन जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर तरमीमी बिल 2024 पेश किया, जिसमें आइन जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1999 में तरमीम करने का कहा गया, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए अलहदा फरिस्त भी बनाई जा सके। आइन जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर तरमीमी बिल 2024 के लिए 4 कम्युनिटीज़ गदा, ब्राह्मण, कोहली, पाडरी और पहाड़ी ग्रुप्स को जम्मू कश्मीर में दर्ज फरिस्त कबाइल की फरिस्त में शामिल किया गया है। और आज लोकसभा से के बाद इसे राज्यसभा से भी पास किया गया। और अब आखिरी नोट जो है वजीर सदर हिंद के दस्तखत का है। अब इन तीनों बिलों पर चर्चा के बाद, माननीय मंत्रियों के जवाब के बाद, विल टेक अप नाउ। आई शैल फर्स्ट पुट द मोशन रिगार्डिंग कंसिडरेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 टू वोट। द क्वेश्चन इज दैट द जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 एज पास बाई लोकसभा बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। दो इन फेवर विल प्लीज से आई, those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 to 19 stand part of the bill. Those in favor will please say aye, those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 to 19 are adopted. Preamble, the clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye, those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The preamble, the clause 1. अच्छा नाज़रीन, अब ज़रा ज़मीर की आवाज़ की बात भी करें। यूजुअली कहते हैं कि ज़मीर मर जाता है, लेकिन ज़मीर गिरता भी है। हमने ज़मीर को गिरते हुए पिछले 48 घंटों में नहीं, बल्कि पिछले करीबन 24 नहीं 28 महीनों से देखा है। वो पाकिस्तान की सूरत हाल थी, और पाकिस्तान में पिछले साल जब मंडी लगी थी सिंध हाउस में, तो उस मंडी के बाद पता यही चला कि सब कुछ अमेरिका का करता धरता है, और अमेरिका के एजेंट पाकिस्तान में वो कुछ कर रहे हैं जो 1947 के बाद कभी नहीं हुआ है। कहते हैं 70 की दहाई में भी कुछ ऐसा हुआ था, और उस 70 की दहाई में ऐसा होने के बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला। लेकिन 1923, 22, 23 और 24 में हम जो कुछ देख रहे हैं, वो एक बार फिर बता रहा है कि ज़मीर बहुत गिरा है, बिका हुआ है। और ये ज़मीर किन का बिका हुआ है, सबके सामने है। ज़मीर बिकने की दास्तान हमने सुबह सुबह आज भी देखी। हमने सुबह सुबह देखा रिहाना डार, वो करीबन
40,000 से जायद वोटों से ख्वाजा आसिफ से जीत गई थी। बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है उसकी वेबसाइट पर भी आ गया, रिहाना डार जीत गई। और मैंने खुद ट्वीट भी देखा, अभी शाम गए, वो ट्वीट वहाँ मौजूद नहीं है, जिसमें ख्वाजा आसिफ अपने ट्विटर पे लिख रहे हैं कि रिहाना डार को मुबारकबाद देता हूँ, ये जंग ये मैदान खेल का ऐसा ही है इलेक्शन का, किसी की हार होती है किसी की जीत होती है, मैं अपनी हार कबूल करता हूँ ये। लेकिन इसके फौरन बाद एक वीडियो आता है जिसमें उससे कुछ लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया के लोग कि आपकी हार हुई तो उसके बाद, तो वो साथ में कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी, क्योंकि सरकार बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, पॉसिबिलिटीज पॉलिटिक्स में बहुत होती हैं। और अभी करीबन 4 बजे पाकिस्तान के सरकार के इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये देखने को मिला कि रिहाना डार तो हार चुकी हैं, वहाँ ख्वाजा आसिफ जीत चुके हैं। सुबह सुबह पाकिस्तान की थोड़ा याद कराते चले, जमीर की हद यह है कि रिहाना डार सुबह जीती हुई थी, शाम को हार गई। सब लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान में एक और शख्सियत है, मौलाना फजल रहमान, अल्लाह रहम करे, मौलाना फजल रहमान सुबह सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर के इलाके से हार गए थे। बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट, पाकिस्तान के मीडिया ने बताया कि मौलाना फजल रहमान हार गए। और अभी कुछ देर पहले मैंने पाकिस्तान की उसी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखा, फजल रहमान जीत गए हैं। आपने सुबह सुबह देखा होगा ऑन चौधरी बड़ा बोलता रहता है पाकिस्तान के टेलीविजन पर, वो जो नई पार्टी पाकिस्तान में बनी है उसके ऑन चौधरी है, वो सुबह सुबह पाकिस्तान के एक जाने माने वकील सलमान अकरम के सामने हार चुके थे। लेकिन बाद में मालूम हुआ, सुबह हमने देखा, हमने गौर से देखा, 1,53,000 वोट सलमान अकरम नहीं ऑन चौधरी ले गया था, लेकिन अभी शाम को ऑन चौधरी 1,72,000 वोट जो है वो ऑन चौधरी ले गया है, सलमान अकरम जो है हार चुका है 1,53,000 के साथ। तो ये जमीर गिरने की आवाज जो है हमने देखी। सुबह सुबह हमने देखा नवाज शरीफ बुनेर की सीट से हार चुका है, खैबर पख्तूनख्वा की सीट से नवाज शरीफ हार चुका है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा नवाज शरीफ दोनों सीटें जीत चुका है। तो ये है पाकिस्तान के इंतखाबात। कल हमने पाकिस्तान से बराह रास्त एक पाकिस्तानी सहाफ़ी को लाया था, लेकिन आज दिल नहीं करता है क्योंकि बहुत ही डरावनी तस्वीर नज़र आ रही है। और इन डरावनी तस्वीर के पस मंज़र में अभी तक हम इसकी कन्फर्मेशन नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की ऑफिशियल जो वेबसाइट से पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की, अभी तक वहाँ पर इमरान खान 90 सीटें जीत रहे हैं, मुस्लिम लीग नून जो है नवाज शरीफ की, जिसे इंपोर्ट किया गया, जिसका पाकिस्तान में इलाज भी नहीं हो रहा था, उसके प्लेटलेट्स अप एंड डाउन होते थे, आज इंतखाबात में उसके वोट भी अप एंड डाउन हो रहे थे, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की पार्टी 60 सीटों पे इस वक्त कामयाबी हासिल कर चुकी है। पीपल्स पार्टी जो बट्टू खानदान की पार्टी हुआ करती थी, उसके बाद उस पर वो आ गए जरदारी, तो वो 47 सीटों पे जीत रहे हैं। और ये है सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में आइंदा की सरकार कौन बनाएगा? इस तरह के हालात दिख रहे हैं कि कोई बना नहीं पाएगा, क्योंकि इमरान खान को, जो दुनिया के जाने माने फास्ट बॉलर थे, नपीतुली बॉलिंग के लिए दुनिया भर में माने जाते थे, उसके सामने ना नवाज शरीफ उसकी बॉलिंग के सामने ठहर रखा है, और ना ही वट्टू बट्टू जो भी है उनके पसीने छूट रहे हैं। इंतखाबी नताज, हतमी नताज अभी सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन इमरान के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सरे मैदान उतर पड़े हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा यानी ट्राइबल एरिया जो है केपी के जिसे कहा जाता है, वहाँ से इमरान खान फुल स्वीप कर रहा है। बलूचिस्तान सिंध वगैरह जो है वहाँ से पाकिस्तान का जो इस वक्त सूरत हाल है वो सबके सामने है, जो पाकिस्तान की आर्मी वो पीपल्स पार्टी को दे रही है, और पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून को दिया जा रहा है। इस तरह की सिचुएशन है जो लोकल इंतखाबात हैं। और फिर इन्हीं इंतखाबात के पस मंज़र में कल आपको याद होगा पाकिस्तान में गोली चली थी, 19 लोग कल भी मारे गए, पाकिस्तान के मीडिया ने कल उस पर कोई बात नहीं की, लेकिन आज जब ये नतीजे सामने आए तो फौरन उसके बाद पाकिस्तान में तसादम शुरू हुए। खैबर पख्तूनख्वा के मालाखंड डिवीजन के शांगला में पीटीआई के कुछ कारकुनान के मारे जाने की खबर है, और 10 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की भी खबर है। पाकिस्तानी मीडिया के कुछ हल्के मरने वालों की तादाद 6 बता रहे हैं,
ताहम कुछ हल्के इस हवाले से कोई मुज़ाद बयान या मुज़ाद तादाद भी बता रहे हैं। इधर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में आज एक उम्मीदवार जो इमरान खान की पीटीआई है उसके उम्मीदवार की हार के फौरन बाद मुजाहिरीन ने फौरन वहां के रिटर्निंग ऑफिसर की गाड़ी पर पथराव किया, आग लगा दी और उसके बाद वहां पे पुलिस ने उन लोगों पर गोली भी चलाई और उस गोली के चलाए जाने में बताया जाता है कि बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुन जख्मी हुए हैं। इंतखाबी नतीजे पर डाका डालना, और हमने कल शाम से देखा जो ही इंतखाबात मुकम्मल हुए पहले दिन, उससे पहले भी हमने देखा था पाकिस्तान में किस तरह के इंतखाबात हो रहे थे, लेकिन उसके बाद जो कल शाम से देखा उसके बाद यही कह सकते हैं कि गिरता है ज़मीर लेकिन बेहिसाब गिर जाता है। बिकता तो ज़मीर पहले से था, अब गिरना भी शुरू हुआ है और इतना गिरेगा कि आसिम को भी शर्म नहीं आएगी। चलिए ये तस्वीर का एक रुख पड़ोसी मुल्क का, लेकिन इधर का रुख भी हम करेंगे। कश्तवाड़ में दिलदोज हादसे की खबर है, उस पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हादसा बताएंगे और हमें ऋषि खजूरिया सांबा से खबर देंगे, बड़ी खबर है वो भी बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।